वाले धनबाद में। और ये देख लो गाइस कितने सारे पैसे, क्या बोलते कंपनी का स्टेपर आने चक्कर से स्टेप नहीं तेरे शहर पिच खाली करनी कर। ये गाड़ी ना पसंद किया जा रहा है अंकित भाई। मेरी थाने दे पिच बदले दे मैं तो कैसा है, कमेंट करके बताओ कैसा गाड़ी लगा। नहीं मैं डाकू एक नंबर दा हां जेडी चीज ते आखे ओ को नहीं ना। नहीं मैं डाकू एक नंबर दा हां जेडी चीज ते आखे ओ को नहीं ना। सो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। एक और न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मोहित मामू आप सभी लोगों का बहुत-बहुत वेलकम बैक करता हूं। और गाइस देख लो ये ब्लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गेमिंग चैनल पे अपलोड होने वाला है जहां आप मैं शूट करने वाला हूं। देख लो गाइस गेमिंग चैनल पे जो जो बंदे मेरे न्यू आए हो चैनल पे, ये देख लो ये तुम्हारे भाई का छोटा सा गेमिंग रूम, ये पीसी, ये मॉनिटर, ये सब कुछ है। तो गाइस आज के ब्लॉग में सीखिए, आप लोग सबको आइडिया हो ही गया होगा कि तुम्हारा भाई नॉर्मली बाइक लेने वाला, वो भी यूट्यूब के इनकम से। अंकित भाई आ चुके हैं यहाँ पे, हम लोग साथ में जाने वाले धनबाद में। और ये देख लो गाइस कितने सारे पैसे, क्या बोलती कंपनी गाइस। और ये देख लो मेरा न्यू टैब, अबे नोट उड़ मत। यहाँ पे देख सकते तुम्हारे भाई के पास कितने पैसे, बहुत सारे पैसे आप लोगों देख लिया। और कुछ पैसे भी और बैंक से निकालने वाले हैं। और यहाँ से अप्रॉक्स हम लोग 40 किलोमीटर दूर जाने वाले धनबाद बाइक लेने के लिए। उसीलिए गाइस मैंने आप लोग सुबह बता दिया था कि लाइव स्ट्रीम जल्दी एंड कर दी थी। और गाइस ये ब्लॉग भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शूट होगा, गाड़ी आएगा, सब कुछ ले लेंगे, गाड़ी पूजा कर लेंगे, ब्लॉग तुरंत आ जाएगा, डोंट वरी गाइस। तो चलो गाइस ज्यादा बकचोदी नहीं करते हैं और निकलते हैं बाहर की, और यहाँ से ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो रॉकन धमाका गाइस, बहुत मजा आता है, ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू बने रहना और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट दिखाना। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पूरे ब्लॉग का। व्हाट्सअप गाइस, ये मेरे घर का गली होने वाला है और बेसिकली मैं फिर दिखा रहा हूँ गेमिंग चैनल में बहुत लौटे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कड़ी धूप है, इस कड़ी धूप में तुम्हारा भाई पैदल तक नहीं चलता, तो दैट हम लोगों को गाड़ी लेना पड़ रहा है और आप ब्लॉगिंग के लिए बहुत दूर दूर जाएंगे। तो चलिए बहुत दूर दूर तक, तो चलिए गाइस यहाँ से चलते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर। ज़्यादा बकवास नहीं करें भाई, धूप बहुत ज़्यादा है। तो चलिए ब्लॉग का कंटिन्यू रखते हैं। देख सकते गाइस यहाँ पर हम लोग चलते चलते आ चुके हैं बिल्कुल स्टेशन के करीब, बिकॉज अभी तो गाड़ी नहीं ना है यार, अभी तो पैदल ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से करीब आ सकते हैं। देख सकते गाइस यहाँ पर धूप ही धूप है, थोड़ा सा मेरा क्रीम पाउडर का यहाँ पर दिक्कत हो जा रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा मैंने लगा लिया था। बाल कैसा लग रहा है सेटअप आप लोग करें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए गाइस अब चलते हैं स्टेशन में, सीधा ट्रेन में बैठेंगे। हाँ पसीना से गर्मी से हालत ख़राब है गाइस, बहुत ज़्यादा, घर में गर्मी बाहर गर्मी, इसीलिए मैं बाहर नहीं निकलता अनफॉर्चुनेटली, आज तो नीट था गाइस। तो चलो जाते हैं स्टेशन की तरफ और अब जस्ट थोड़ी देर बाद गाड़ी आएगी और एक और तो हमारा आ रहा है बंदर, उसका आप लोग शायद जानते ही होगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधा आप लोगों को लेकर ट्रेन में। तो यहाँ पे गाइस फाइनली हम लोग स्टेशन में पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे फ्री का फ्रूटी नहीं पीना चाहिए लेकिन फ्री का पानी पीना चाहिए। पानी यहाँ पे हम लोगों ने खरीद लिया और यहाँ पे कहते हैं लोग रेलवे ट्रैक पे हम लोग खड़े, एक और हमारा दोस्त आ चुका है और यही तीन हम लोग जाने वाले हैं। अब यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर दूर बाइक दी ट्रेन से, उसके बाद आएंगे बाइक से, ओके। तो बस ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहो, आगे का सीन मिलता रहेगा। जर्नी स्टार्ट हो चुका है गाइस, घुमाडूवी टू धनबाद। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कितना मजा आने वाला है। सारी मुसीबतें आती है अभी, सही बात है, अभी जाने में कितनी सारी मुसीबत आती है और लेने में तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो चलो भाई जाते हैं, लेते हैं और बहुत मजे के साथ आते हैं। लाइक कर देना गाइस, सारे बंदे लाइक कर देना ब्लॉग को। हो चुका है यहाँ पे मौसम धूप से पूरा शाम का है, बरसात का, और यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं धनबाद स्टेशन पे। और यहाँ गाड़ी आने वाला है, तो लग रहा है क्या बोलते कौन देव है, इंद्रदेव, इंद्रदेव भी खुश है, बोलते हैं हम भी तुम्हारे गाड़ी पे बैठेंगे, जाओ बारिश करने के लिए आ रहे हैं। तो चलो गाइस देखते हैं यहाँ पे बारिश का पूरा मौसम हो चुका है, मौसम इज वेरी ऑसम। जो है देखते हैं यहाँ पे स्टेशन हम लोग बाहर निकलेंगे और यहाँ से कोई मेमकुम मोड़ नाम का जगह है धनबाद में, तो वहीं से हम लोग जस्ट बगल से लेने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो चलो देखते हैं और कहाँ पे किधर जाएगा, अबे चलो ना जिधर चलेगा। बस गाइस ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहो, बहुत ही ज़्यादा अभी देखते हैं और क्या क्या धमाल होता है। होटल में बैठ चुके हैं और ये हमारा प्यारा धनबाद स्टेशन होने वाला है, ठीक है, धनबाद टाउन सिटी झारखंड का काफ़ी फेमस है।
ये ऑटो में हम लोग बैठे हुए हैं और मौसम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घना कर चुका, बादल कह रहा कोहरा ही कोहरा सोचिए। और यहाँ से हम जा रहे हैं तो 4 किलोमीटर है अप्रॉक्स यहाँ पे हम लोग का वो है, पहुँच गए ठीक है, तो पहुँच गए हैं 4 किलोमीटर और बच्चा गए, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। क्या सुंदर सुंदर कहाँ को सुंदर है भाई, बस स्टैंड धनबाद ये देख सकते हैं मैप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं शोरूम में और अब जाने वाले हैं अंदर, और जो हम लोग का दिन टाइम में निकले थे हो गई है रात, अब क्या करें, आप लोगों से बात समझ में नहीं आती है। चलिए चलते हैं शोरूम देख करते हैं मुलाकात। देख सकते गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शोरूम के अंदर में, ठीक है, यही है धनबाद का मैमको मोड़ का शोरूम होने वाला, जस्ट पेट्रोल पंप के बगल में। आप देख सकते कितनी सारी गाड़ियाँ लग गई है और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग गाड़ी वगैरह पसंद कर रहे हैं, कौन कौन सी गाड़ी देख लो, बहुत सारी गाड़ी है बट डिसाइड करके आए लेना तो वही है। यहाँ पे ये गाड़ियाँ पसंद किया जा रहा है, अंकित भाई यहाँ पे, सर नितिश भाई, और यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ और वीडियो वगैरह शूट करते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी लेते हैं। हम लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, रही है हमारा मेन डोर होने वाला है, यहाँ से आते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसी में से कोई कलर का गाड़ी लेना है। देख सकते हैं यही मॉडल होने वाली है हमारी गाड़ी की, जिसपे अभी हमारे मोहित भाई बैठे हुए हैं, और इसमें सिर्फ कलर चेंज होने वाला है, बाकी यही रहेगा। और देख सकते हैं इसमें डिस्क नहीं है हमारे, जो हम लोग जो लेने वाले वो डिस्क होने वाला है। तो बस भाई लोग चेकआउट करो कैसा है, कमेंट करके बताओ कैसा गाड़ी लगा आप लोगों को। नॉर्मल में मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा गाड़ी है, आप लोग अपने सजेस्ट करो कि कौन सा गाड़ी लेना बेटर होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे हम यही शुरू से सोच के भी आए थे और पसंद भी यही आया है, और मेरे दिल में सब कुछ बेस्ट होना भी जरूरी है भाई। जो शायद हम लोग फाइनेंस करा रहे हैं उसमें थोड़ा इधर से उधर हम लोग को जाना पड़ रहा, बिकॉज फाइनेंसर भी अवेलेबल नहीं है। देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं सारे बंदे कुछ ना कुछ लेने ही आए हैं, इसके वजह से थोड़ा सा फाइनेंसर ज़्यादा बिजी है लग रहा है, कोई बात नहीं, इनके बाद हमारा ही होने वाला है। चलते चलो गाइस यहाँ पे बहुत दूर अभी जाना है हम लोगों को, देख सकते हैं वही बहुत खड़े हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे अंधेरे से लेकर यहाँ पूरा उजाला हो चुका है भाई, पूरे 2 घंटे की बारिश यहाँ पर हुई है और यहाँ पे 4 बजे यहाँ अंधेरा का सीन हम लोग देखने मिल गया था, और यहाँ पे फाइनली सारा डील हो चुका है, बाइक वगैरह का पानी वगैरह जो भी होता है वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने मीटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया। और यहाँ पर बंधन हम लोग ब्लैक एंड रेड कलर का मिक्सिंग गाड़ी लेंगे, और यहाँ से गाड़ी लेने के बाद सीधा जाएंगे हम लोग पूजा वगैरह कल, अब करेंगे पूजा वगैरह आज ही करेंगे, आज की ब्लॉग में इतना ही। गाड़ी लेंगे अभी और आप लोग गाड़ी दिखाएगा तुम्हारा भाई, बैठ के सिंपल है गाड़ी है बट आई एम हैप्पी, बता नहीं सकता क्या तुम्हारा भाई कितना खुश है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी वाली होंडा का कलर ब्लैक होने वाला है, ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल बी गाइस, ओके लाइक सब्सक्राइब सारे कर देना। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारा बाइक आ चुका है, मोहित हम एकदम बैठ के तहलका मचा रहे हैं ऊपर में, चलाने तो आता नहीं है लेकिन कोई बात नहीं सीख जाएंगे। अच्छा क्या है आप लोग कमेंट करके बताना भाई क्या है, पानी का मौसम पूरा हो चुका है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं है। ओह माय गॉड सही बात है भाई, लहरों से डर कर नौका पार नहीं, आज हम लोग पानी से डर जाते तो ये हमारी नहीं होती, पानी देख सकते हो गाइस बहुत ही गंदा एकदम सिंक किया हुआ है मौसम, तो भी आज हम लोगों ने प्लान किया था तो प्लान फेल नहीं होना चाहिए गाइस, बस यही बात है। Never give up in life, yes. यहाँ पे ढेर सारा शक्ल करने के बाद बारिश तभी भी हो रही है, यहाँ पे बाइक का चाबी वगैरह सब कुछ मिल चुका है, और अब हम लोग जाएंगे बाइक को लेकर सीधा यहाँ पे होम टाउन, रात हो या पानी पड़े या कुछ हो गाड़ी को आज ही लेके जाएंगे फुल एंड फाइनल डिसीजन, बिकॉज हम लोग जो काम पे निकल जाते हैं उसको करके ही रहते हैं। तो चलो यहाँ डायरेक्ट गाड़ी घर को लेकर जाएंगे और घर में जाकर ब्लॉग को एंड करेंगे, ओके। एंड कल बेसिकली हो सकता है अगर ब्लॉग एंड नहीं किया तो कल गाड़ी का पूजा वगैरह करके आप लोगों का ब्लॉग एंड करेंगे, देखते हैं लेट्स सी ब्लॉग में क्या होता है, जो भी होगा बहुत ही रोमांचक होगा, गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एवरीवन एंड मॉर्निंग के ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं फाइनली मंदिर में, कल्याणी श्री मंदिर होने वाला है। यहाँ पे अंकित भाई, उनकी मम्मी, सब कोई खड़ी है, ठीक है। और ये रहा हमारा न्यूएस्ट बाइक के पीछे लगा हुआ है, जो हम लोग मंदिर की ओर जाएंगे। हमारी मम्मी जी पीछे, सिस्टर आ रही है, अंकित भाई, नितिन भाई, सभी। देख लो हम लोग कल्याणी श्री मंदिर, यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी विजिट करवा चुके हैं, इसी मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी का पूजा होने के बाद अपन ब्लॉग को एंड करने वाले हैं, तो चलो गाइस चलते हैं मंदिर में। तब से तो खुश है ना बाइक बाइक आगे कर, बहुत ज़्यादा खुश है। चलो गाइस देखते हैं और मंदिर का सीन आप लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, ये देख सकते हैं कल्याणी श्री मंदिर वंस अगेन आप लोगों को दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे भीड़ तो हर बार की तरह यहाँ पे भीड़ ऑलवेज रहता ही है। लाइन लगने के लिए अंकित भाई की मम्मी चली, हमारी छोटी सिस्टर भी चली गई है, बिकॉज मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए अंकित भाई के मम्मी पापा के साथ आए हैं। और गाड़ी यार मेरा हो या अंकित भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गए लोग ब्लॉग बनी रहो, गाड़ी का पूजा होगा, इसलिए दिखाते हैं क्या करता है। कल का दिन तो आप लोगों को देखा है कितना बारिश के साथ हम लोगों ने लिया, बट एटली लास्ट कॉल घर में फाइनली बाइक आ चुका है और उसी बाइक को हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे मंदिर में। ओके, और मंदिर में पूजा वगैरह हो रहा है। तो अंकित भाई तुमको कुछ बोलना चाहोगे बाइक मिल आने की खुशी में? हाँ, बहुत खुशी हुआ, मतलब हम सोच भी नहीं थे कि इतना बाइक आ जाएगा, हमको तो पता भी नहीं था ये कैसा कैसा, हमको पता ही नहीं था। कल जो सीन हम लोग वहाँ शोरूम में एंटर किए, उसके बाद जो आंधी बारिश सब कुछ हुआ, उतना स्ट्रगल के बाद बाइक आफ्टर रात में घर में आ गया, बस सुन रहे थे आएगा आएगा, बट वही बात है। तो ये फाइनली बाइक यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर में, ठीक है। जो जो बंदा ब्लॉग पर देख रहे हो एक लाइक कर देना। चलो गाइस यहाँ पे हफ्ते खेलते हैं, यहाँ पे हम फाइनली आ चुके अपने घर में, होम में बैक। ओके, तो इस तरह आप लोगों ने बाइक हम लोगों ने कैसे लिया, कितनी मुश्किलों से, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं माने, सब कुछ किया, गाड़ी का पूजा वगैरह सब कुछ हो गया। तो आज के ब्लॉग कैसा लगा? आफ्टर ऑल हमारे पास आ चुका है एक न्यू बाइक, अब हम लोग ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूंगा, एटलीस्ट वीक में एक ब्लॉग या दो ब्लॉग तो आप लोग जरूर प्रोवाइड की जाएगी। और आप लोग गाइस मेरे ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक कमेंट में पिन है, और मोहित माहू ब्लॉग चैनल का नेम। ओके, बस आज के ब्लॉग यहाँ समाप्त करते हैं। ब्लॉग में क्या पसंद आया, नहीं पसंद आया, गाड़ी कैसी लगी, तो जो भी एनीथिंग पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, बाय।